रास्ते का हालत देखो कैसा हो गया है। यहाँ पे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है बोल के पूरा रास्ते का हालत बहुत गंदा है। आप लोगों को दिख रहा है ना वाटरफॉल, दिखा शायद आपको एक झलक। अभी उधर ही जा रहे हैं मुझे लग रहा है हम लोग वाटरफॉल की तरफ। ओके ये डैम देखो, पानी पूरा भरा हुआ है। वाह जबरदस्त व्यू है। तो हम लोग चल रहे हैं अभी डैम की तरफ, आर्थर लेक है। पर देखे तो एक्चुअली ये डैम भी है, एक पार्ट ऑफ डैम भी है। गाइस देखो एकदम पानी, एकदम साफ पानी, और एक व्यू पूरा। गाइस तो हम लोग पहुंचे हैं आर्थर लेक, देखो पीछे का व्यू, नेल्सन और नेल्सन के पीछे लेक और लेक के पीछे पहाड़ देखो आप लोग। और पीछे भी मेरे आपको दिख रहा है क्या, नहीं पता नहीं, क्लाउड्स नहीं कवर हो रहे कैमरा में ठीक से, होपफुली बैक कैमरा से होगा। हाँ देखो बैक कैमरा से क्लियरली दिख रहा है। ये बोटिंग हो रहा है, यहाँ पे बोटिंग भी करते हैं लोग। तो आप लोगों को कैसा लगा जरा एक लाइक और एक कमेंट करके बता दो। तो बोटिंग के चार्जेस और ये अपने भाई बोलेंगे यहाँ पे जो करते हैं। बोलिए दादा आपका नाम बोलिए। विष्णु। और आपका नंबर भी बोल दीजिए। 7385-9-30-40। हिंदी में बोलो, ज्यादा लोग नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश में बोल दो एक बार नंबर। 7385-9-0-30-40। ओके तो अभी बोटिंग का चार्जेस बता दीजिए कैसा है यहाँ पे। शेयरिंग पे जाएंगे तो एक आदमी का ₹50 रहता है मोटर बोट को। ओके और रोइंग बोट में जाएंगे तो एक आदमी का ₹40 रहता है। ओके और कम 10 से ज्यादा लोग रहेंगे तो शेयरिंग पे रहता है, कम रहेंगे तो राउंड फिगर राउंड आता है। ओके चप्पू का राउंड मारेंगे तो ₹300 का राइड आता है, मोटर में जाएंगे तो मोटर का ₹500 का राइड आता है। ओके पूरी बोट का ग्रुप का। ओके आदमी एक आदमी भी पूरी लेके जा सकता है ना। एक आदमी रहेगा तो भी उतना, 10 रहेंगे तो भी उतना, 10 से ऊपर जाएंगे तो ₹50 पर्सन से ले जाते हैं। ओके तो भाई आप इनसे कांटेक्ट कर लेना जब भी इधर आते हो। ये है आर्थर लेक, तो यहाँ पे बोट्स खड़े हैं आप देख सकते हो, मोटर बोट भी है, रोइंग बोट भी है। वो आगे जो दिख रहा है आपको वो एक ऊंचा सा दिख रहा है आपको, वहाँ पे वो रतनगढ़ फोर्ट है, तो वहाँ पे भी ट्रेकिंग होता है। पेप्सी की बोतल की तरह दिख रहा होगा। गाइस अभी हम लोग वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, एक छोटा सा वाटरफॉल है। गर्मी बहुत हो गई है, अभी डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी पिया अभी थोड़ी देर पहले जस्ट। एकदम वो जो आपको बीच में क्रेट दिख रहा है या लाइन दिख रहा है जो भी आप बोल सकते हैं उसको, वहाँ पे बारिश के सीजन में पूरा वाटरफॉल होता है। ये जितने भी लाइन सबको दिख रहे सब वाटरफॉल्स के होंगे। तो अगले बार बारिश में आप जरूर आना है एक बार, ये व्यूज़ तुम मिस नहीं कर सकते। अभी बारिश बंद हो गई है, वाटरफॉल भी बंद हो गया है, नहीं तो पूरा का पूरा वाटरफॉल्स का जगह है ये। मतलब आप सोच के देखो कि ना, ये इमेजिन करके देखो कि जब पानी वहाँ से गिर रहा होगा तो कैसा लगता होगा। रास्ता इतना गंदा है ना, क्योंकि गांव का रास्ता है तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ठीक नहीं किया अब तक, और बारिश की वजह से और भी ज़्यादा खराब हो गया है। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ सांप के ऊपर
चल 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 आगे जाके जा। हे गाइस, तो अभी हम लोग एक देवी का मंदिर है और अंदा फॉल यहाँ पे पहुँचे हैं, तो बस जा रहे हैं फॉल की तरफ। बने रहो पीछे मेरे। जय सिंह भाई। तो फ्रेंड्स, हम अभी आए हैं गौरपादा देवी मंदिर। ये है मंदिर, आगे देख सकते हो आप। फूल माला आपको चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। कोई भी भगवान हो आपको बुलाता है तो ही आते हो आप। बिना बुलावा कोई नहीं आ पाएंगे। हम जूते नहीं खोल पाएंगे इसलिए हम बाहर से ही दर्शन करेंगे। गौरपड़ा मंदिर आपको दिख रहा है, एक छोटू सा वाटरफॉल है बोल रहे हैं लोग। तो ऊपर गांव है और ये रंदा वाटरफॉल है यहाँ पे एक छोटा सा। तो ये ब्रिज है। आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा कैसा है। इसी तरह देखो, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली जब बारिश होता है तब नीचे पूरा पानी होता है, तो आपको नीचे यहाँ से भी पानी दिखता है, पर अभी है नहीं, कुछ सूखा हुआ है। बारिश के सीजन ही ये सब जगह पे आने का लाभ मिलेगा, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी हवा ठंडा है, गर्मी नहीं लग रही है। तो आप देखिए वहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल हो रहा है, देखिए वो, देखिए वाटरफॉल। तो देखिए ये है वाटरफॉल, हम नीचे से जाके भी देख सकते हैं, हम नीचे से जाके लेते हैं। देखिए वाटरफॉल, यहाँ पे हम नीचे जा सकते हैं वहाँ से घूमते हुए। व्यू देखो, तो गाइस फ्रेंड्स कैसा लग रहा है बोलो आप लोगों को। ये जगह आना चाहते हो आ सकते हो, ये ओपन है। रंदा वाटरफॉल, रंदा गांव भंडारा से थोड़ी ही डिस्टेंस पे है। साधनान वैली और उस तरफ का जो कुंकन कड़ा लेक, ये सब मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक खुला नहीं है। आज डिस्कशन चल रहा है हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, तो उन लोग आज डिसाइड करेंगे कब खोलना है। तो आज 21 नवंबर है, 21 नवंबर को सातना वैली खूब बंद है, पर होपफुली बाय नेक्स्ट वीक खुल जाना चाहिए। अगर खुल गया तो आप सर्च कर लीजिए नेट में खुल गया है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। खुल गया तो आप आ जाना। चलो अभी के लिए ब्लॉग को मैं इधर ख़त्म करता हूँ। घर पहुँचने के बाद वापस मिल के फिर एंड करेंगे वीडियो को, ठीक है? चलो बाय। इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है ये, पर मेरे आँखों के सामने जो नज़ारा है ना, उसके लिए मैं क्या कहूँ। मतलब हेवन है, हेवन, दिस इज़ अ हेवन। इतने वर्क प्रेशर के बाद, इतने काम करने के बाद जब आप ऐसे रिलैक्सेशन राइड हो तो बॉडी भी रिलैक्स हो जाता है। और हम उसी घाट की तरफ से ही जा रहे हैं, ये कसारा का रूट है। उधर का व्यू देखो कैसा है, कितना ऊंचे हैं हम लोग ऊपर। एक्चुअली एक छोटा सा व्यू हमने मिस किया, अभी कैमरा ऑन करते करते चला गया।
हाय गाइस, तो अभी सेफली रीच हो गए हम घर। टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 6:58, 7 o'clock तक घर पहुंच जाएंगे मतलब। तो आज मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि हेलमेट में हूं। तो आज ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक शेयर और एक कमेंट कर दीजिए, हेल्प कीजिए मुझे ताकि मैं जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर रीच करूँ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा, ब्लॉग्स लेके आऊँगा। चलो मिलता हूँ फिर मैं, बाय।